आज फिर इसने मेरी जगह पे पार्किंग लगाई, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरी गाड़ी पार्किंग होती है, तूने क्यों लगाई? अरे भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ये पार्किंग सबकी है यार, मैंने लगा दिया तो उसमें दिक्कत क्या है? और तुम कचरा क्यों फेंक रहे हो? आज की बात, यहाँ पे पार्किंग नहीं लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई ये पब्लिक पार्किंग में तुम्हारा नाम लिखा है क्या? ओए ज्यादा हंस मत, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, निकल यहाँ से चुपचाप। ठीक है भाई सॉरी, मैं हटा लेता हूँ गाड़ी। ये तो उसी लड़का का कार है उस दिन जो मेरे ऊपर हंस रहा था, आज तो इसकी कार का हवा ही निकल देता हूँ। मेरा ऊपर हंसा था ना, इसकी सजा है। आपने सारा सामान ले लिया ना, जल्दी घर आओ, हम लेट हो रहे हैं। हाँ बेबी, मैंने पूरा सामान खरीद लिया और कार में ही रखा है, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ घर पे। ओके अब आएगा मजा। ये टायर पंचर कैसे हो गया? क्या यार। अबे ओए, मुझे घूर क्यों रहा है? आग नीचे कर। ओए तुझे क्या लगता है, तेरी कार का हवा मैंने निकाली? ऐसा सोच भी मत लेना। अरे भाई तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो यार? और कार तो पंचर हो गई होगी, तुम क्यों निकालोगे मेरी कार की हवा? हाँ वैसे समझदार है तू, आज भी बच गया। ओए आंखें नीचे कर। तेरी हरकतों को मैं जितना नजरअंदाज कर रहा हूँ, तू उतना ही मेरे ऊपर हावी हो रहा है। मैं कितने दिनों से तुझे देख रहा हूँ, पहले मुझे पार्किंग नहीं लगाने देता है, ऊपर से मेरे ऊपर कचरा फेंका, और मुझे तो लगता है ये हवा ना टायर की तू नहीं निकाली। हाँ मैंने निकाली, तू क्या कर लेगा? देखो भाई मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम अपने रास्ते रहो और मुझे अपने रास्ते रहने दो। ओए सुन, मुझसे बच के रहना, अपर का बदला मैं लेकर रहूंगा। लगता है इसको कुछ तो करना ही पड़ेगा, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। लगता ही आ गए। अरे आई बाबा। अरे आप कौन? कुलदीप को बुलाओ। भैया वो तो नहीं है घर पे, आपको क्या काम था उनसे? वो मैं उसी को ही बताऊंगा। कोई बात नहीं भैया, वो बस आने ही वाले होंगे, आप अंदर आके बैठ जाइए। यही टाइम है बदला लेने का? अरे भैया आप इतना मत सोचो, आप तो अंदर आ जाओ। आज मेरा बदला पूरा होगा। भैया पानी। आज रक्षाबंधन है ना भैया, इसलिए आने में लेट हो गए। वैसे आप लोग रक्षाबंधन मनाते हो या नहीं? नहीं हम नहीं बनाते हैं, और वैसे भी मेरा बहन नहीं है। क्या आपकी कोई बहन नहीं है? वैसे मेरा भी कोई भाई नहीं है, पर रक्षाबंधन का फेस्टिवल है ना, इसलिए हम भी सिर्फ पूजा कर लेते हैं घर पे। भैया आपकी भी कोई बहन नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है, और आज रक्षाबंधन है, तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? वैसे भी इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। ठीक है अब बांध। ओके भैया रुकिए मैं आती हूँ। मैं तो इन लोगों के बारे में बहुत गलत सोचा, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये नहीं भैया वो वाला हाल। भैया ये एक रक्षाबंधन का ऐसा त्योहार है जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है जीवन भर, और इसमें कोई लालच कोई भेदभाव नहीं होता, बस प्रेम होता है भाई बहन के बीच। आज से आप मेरे भाई हुए और मैं आपकी बहन, और हमेशा मैं यही दुआ करूंगी कि आप खुश रहो स्वस्थ रहो और आपकी बहुत तरक्की हो। नेहा कहाँ हो? ये लो सामान, ये यहाँ क्या चल रहा है और ये इस घर में कैसे? अरे आप आ गए, और आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपके दोस्त कब से आपका वेट कर रहे हैं, और अब आपके दोस्त नहीं मेरे भाई भी बन गए। क्या ये भाई बन गया? हाँ भाई आज से ये मेरी बहन है। ये सब क्या चल रहा है? भाई जो भी हुआ इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। भाई तुम्हारे घर में तो मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन मैं जब अंदर आया मुझे एक अच्छी बहन मिल गई। जो भी अपने बीच हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारे बारे में पहले भी गलत नहीं सोचा और अभी भी कोई गलत नहीं सोच रहा हूँ। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमको एक बहन मिल गई और नेहा को एक भाई मिल गया। वैसे भी भाई हमारे धर्म अलग अलग हैं तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने हमारे खून का रंग तो एक ही बनाया है, इसलिए हमें एक दूसरे से कभी गुस्सा से नहीं
प्यार और मोहब्बत से एक साथ रहना चाहिए। तो क्यों ना इस रक्षाबंधन हम एक नई शुरुआत करते हैं, हम एक दूसरे के रिश्ते को प्यार के बंधन में बांधते हैं, ना कि नफरत के बंधन। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला, जिंदगी नफरत से नहीं प्यार से चलती है। हाँ भाई, चलो अब साथ में खाना खाते हैं। दोस्तों, क्यों ना इस रक्षाबंधन हम एक दूसरे को प्यार के बंधन में बांधे, ना कि नफरत के बंधन में।